अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि बेहतर होंगे, बल्कि बेहतरीन होंगे। आपका मेज़बान बिलाल वान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है दोबारा। ये हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, ये इधर ही फैसलाबाद के रहायशी हैं। तो कल परसों इनके साथ कुछ मामला हुए हैं जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद लारी अड्डा में। इनके साथ कोई इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनको मारा पीटा गया, इनके जो काफी जो है ना इनके चोटें वगैरह आई हैं, ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनके पास। तो इनसे पूछते हैं कि क्या वाकया तो हुए, क्या मामला थे, क्यों इस तरह हुआ और क्या बातचीत है। तो आइए आप सब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ये तारक। अच्छा, तो ये क्या बात हुई, आप ये मेडिकल रिपोर्ट लेके आए हैं हमारे पास, क्या मामला तो हुए? जी सर, एक आदमी की जमानत दी थी, 3000 का रोला सी सर, के मैं ना दुकान भी दिखाती मकान भी दिखाता, उन्होंने कहा असी तुहानू बैठ हिसाब कर लैने। इसी गल दे ते इक उन्होंने बाबा रखिया है जिहड़ा सारिआं नू मारदा कुटदा, वह गालियां कढदा, मलक शान उठ के उन्हूं कुटन लग पैंदा, ते सूद दा कम करदे जनाब। जदों देखदे मेरी जेब च जिन्ने पैसे रखदे मेरे कढ लैंदे, मेरी नवीं 70 इन्होंने खोली मेरे को प्रूफ हर शै। आ देखो सर, मैं फलानी दुकान तो बिल लैके आ रहा सी, 60,000 रुपया 63,000 रुपया टोटल बनता सी, 60,000 रुपया मेरे कोल सी, 5,000 रुपया सामली दुकान ते लिया, वह भी तसीक कर देगा, 65,000 रुपया टोटल हो गया सर। मैंने इन्होंने बहुत मारिया, बहुत कुटिया, डंडे मारे, सोटे मारे, मारा देखो हर शह। देखो सर, चौकी गया लागे डे, उन्हें कहा कुछ नहीं कर सकते, मंत्री बरोश आदमी है, देखो कितना उन्होंने मारिया, बेदर्दी ना मारिया, इंसानियत दबा, मलक शान, बाबा अरशद ते नाम नूम। आ देखो सर, एवरी रिपोर्ट ये इनके पास, जो इन्होंने एप्लीकेशन थाने में मुतलका थाने में जमा करवाई है, ये उसकी जो है ना उसकी ये है अपना फोटोकॉपी उनकी एप्लीकेशन की, और जो थाने से इनको दी गई है जमा की सर, और ये सारे इनका मेडिकल रिपोर्ट्स इनके पास अवेलेबल है, इनका आईडी कार्ड की कॉपी साथ में जो है ना वो लॉफ है। तो ये सारे आपका रिकॉर्ड वगैरह लेके हमारे पास तशरीफ लाए हैं। तो जो कोई भी है नौसरबाज जो भी है, ये काम तो ठीक नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि आप सबने एक साथ रहना है, मिलजुल के रहें। तो बाकी ये है कि इस गरीब बंदे के साथ जो ज्यादती हुई है उसका जो है ना इसको इनको जो है ना उनका इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि इनका जो हौसला अफजाई हो सके, ताकि इनका जो है ना वो माइंड ये हमारे कानून से बदजन ना हो, इनको पता हो कि हमारे जो हमारा पाकिस्तान का कानून है उन्होंने मेरा साथ दिया है और मुझे जो है ना इंसाफ दिलवाया। थैंक यू सो वेरी मच जी। वजीर आला मरियम नवाज साहब से मेरी विनती है और मुझे इंसाफ जरूर दिलवाएगी, मैंने इनको देखा है, इस पे पूरी इंसानियत जागी हुई है, आप मेहरबानी करें वजीर पंजाब, मेहरबानी।